Wild Fairy Tales. पिछले एपिसोड में एल्सा के सिंहासन को चुराने के लिए हांस के पास एना के प्यार का फायदा उठाने की योजना थी। हालांकि एना और एल्सा के बीच के गहरे संबंध ने उसकी योजना को बर्बाद कर दिया था, जिससे हांस को हमेशा के लिए राज्य से निकाल दिया गया। फिर भी चीजें यहीं खत्म नहीं हुई। आगे क्या हुआ जानने के लिए आइए वो फेरी टेल्स के साथ। भले ही सजा राज्य से निकलने की थी, हांस को सिर्फ सामुदायिक सेवा करनी थी। इधर कई लोग उस पर हंसते थे, कुछ ने उसके व्यक्तित्व को नीचा भी दिखाया। दरअसल हांस ने अभी तक अपनी योजना नहीं छोड़ी थी। वो इस जगह से बचने के लिए बस सही समय का इंतजार कर रहा था। पीछा किए जाने से बचने के लिए हांस को एरेंडेल साम्राज्य के पास जंगल में घूमना पड़ा। वह चलता रहा और चलता रहा। तब मौसम ठंडा था और जैसे ही उसका शरीर थकने लगा, उसने जंगल के बीच में एक छोटा सा घर देखा। ऐसा लगा जैसे डूबते हुए व्यक्ति के जीवन को बचा लिया गया हो। वैसे ही हांस जल्दी से घर की ओर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसका एक पैर लकड़ी का था। तुम क्या चाहते हो? क्या आप मुझे एक रात रुकने दे सकती हैं? बाहर बहुत ठंड है। अंदर आ जाओ। घर के अंदर जाने के बाद हांस को पता चला कि वो एक जादूगरनी है। ये महसूस करते हुए कि किसी भी जलती हुई लकड़ी के बिना भी घर के अंदर की हवा गर्म थी, हांस ने महिला से पूछा, मैडम ना तो चूल्हा जल रहा है और ना ही हीटर, इस कमरे में इतनी गर्मी कैसे है? ये अजीब बात है। तुम्हारी आंखें अच्छी है, है ना? मुझे ये स्वीकार करना है कि मैं एक यात्री हूँ जो ठंडे एरेंडेल साम्राज्य को पार करने की कोशिश में है। एरेंडेल, क्या तुम जानते हो कि वहाँ ठंड और बर्फ का क्या कारण है? हाँ, वो रानी एल्सा की शक्ति थी, बर्फ से भरा एक पूरा राज्य। हालांकि ऐसा लगता है कि अब बर्फ पिघल रही है। तो ये वो है रानी एल्सा? हाँ। यह महसूस करते हुए कि जादूगरनी एल्सा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हांस ने तुरंत इस अवसर का फायदा उठाया। मैडम, क्या ठंड और बर्फ ने आपको कोई परेशानी नहीं दी? परेशानी? इतना ही नहीं, मैं यहाँ लंबे समय से रही हूँ और मैं जड़ी बूटियों और जादू पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। एक दिन जब मैं पहाड़ की चट्टानों पर जड़ी बूटियों की तलाश कर रही थी, तो बर्फीला तूफान मेरे पास आया और मुझे नीचे खींच लिया। सौभाग्य से मैं अभी भी जीवित हूँ, लेकिन मेरा पैर उस तरह भाग्यशाली नहीं था। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, तो पहाड़ में मुझे ये खास चीज मिल गई, एक अग्नि रत्न जो हजार साल के ज्वालामुखी से बना है। इस रत्न से मैं ठंड की ताकत को रोक सकती हूँ, साथ ही ये कमरा गर्म है सिर्फ इसके कारण। अगर ये सच है तो आप एल्सा की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर सकती हैं। खूब कहा है, बिल्कुल संभव है। आपका मतलब है? जिस समय से मैं तुमसे मिली हूँ, मुझे पता था कि तुम कौन हो। तुम्हारी भी उसके साथ दुश्मनी है। इस पत्थर को लो और इसका इस्तेमाल मेरा बदला लेने के लिए करो। हाँ, मैं बदला लेने में आपकी मदद करूंगा। अगले दिन जादूगरनी से कवच प्राप्त करने के बाद हांस एरेंडेल राज्य में लौट गया। उसने उस रत्न से एक सुंदर हार बनवाने के लिए एक जौहरी को ढूंढा। फिर वह महल की ओर आगे बढ़ा। वो जानता था कि उसके लिए यह सही समय है। एल्सा के जन्मदिन में कुछ ही दिन बाकी हैं और वो मेरा सही मौका होगा। वो जानता था कि रानी को भेजने के लिए राज्य के लोग उपहार इकट्ठा करेंगे। हांस ने हार को शानदार डिब्बे के अंदर रखने की योजना बनाई और उसे रानी को उपहार के रूप में भेज दिया। उसने दोनों सिपाहियों के पास से गुजरने का नाटक किया जो बाकी के उपहार ले जा रहे थे। अरे, आपने एक डब्बा यहाँ गिरा दिया। ओह, धन्यवाद। फिर हांस वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एल्सा के जन्मदिन पर उसने और एना ने खुशी खुशी सभी के उपहार खोले। हांस का बॉक्स कोई अलग नहीं था। एल्सा ने उसे खोला और एक सुंदर हार देखा जिसने सभी को आकर्षित किया। एल्सा ने एना से इसे पहनने में मदद करने के लिए कहा। लाल रत्न वाले हार ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया, लेकिन उसे चक्कर आने लगा क्योंकि उसका शरीर अचानक गर्म हो गया। वो हार को हटाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह श्रापित हो गया है और उसकी गर्दन से चिपक गया है। इस हार में कुछ गड़बड़ है।
एना डर गई थी। वो हार को हटाने में एल्सा की मदद नहीं कर पा रही थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। एल्सा, इसमें क्या गड़बड़ है? मैं इसे क्यों नहीं हटा पा रही? हांस खुद को एक सिपाही के रूप में बदल कर इस गड़बड़ के बीच में एना के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। हेलो, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? हांस, मेरे आदेश का पालन करो या तुम एना को फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम अपनी बुरी योजनाओं में कभी सफल नहीं होंगे। एल्सा अपनी बर्फ की ताकत का उपयोग करने वाली थी, लेकिन उसके कई प्रयास के बावजूद कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ये देखकर कि रत्न काम कर रहा है, हांस संतुष्ट हो गया। जब तुम अपनी विशेष शक्ति खो देते हो तो कैसा लगता है? एल्सा, मेरी बात सुनो, तुरंत घोषणा करो कि मैं नया राजा हूँ, तुरंत। ये देखते हुए कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, एल्सा को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए ऐसा ही करना पड़ा। ठीक है, लेकिन तुम एना को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूँ, अब से एरेंडल साम्राज्य पर शासन करने वाला हांस होगा। क्या तुम लोग अभी भी अपने नए राजा पर हथियार दिखा रहे हो? क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? बहुत अच्छा, सिपाही एल्सा को बंद कर दो। हम साथ में अच्छा समय बिताते थे, क्या तुम अब भी मुझे याद करती हो? एना को उसके कमरे में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। क्रिस्टोफर की बात करें तो एल्सा के रानी बनने के बाद वो एल्सा और एना से मिलने आता था। मिस्टर क्रिस्टोफर, नए राजा हांस ने आधिकारिक सिंहासन लेने से पहले किसी को भी महल के अंदर आने देने से मना किया है। हांस, क्या वे एरेंडल का राजा बन गया है? एल्सा और एना खतरे में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। क्रिस्टोफर ने महल में घुसने का फैसला किया। वो एना के कमरे में गया और उसे वहां से भागने में मदद की। क्रिस्टोफ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ, चलो अब चलते हैं और फिर तुम मुझे बता सकती हो कि हुआ क्या। क्या हुआ ये जानने के बाद उसका सारा शक हार पर गया। क्रिस्टोफर और एना क्रिस्टोफर के परिचित बौने पत्थरों को खोजने गए, ये पूछने के लिए कि हांस के हार को कैसे निकाला जाए। जब छोटे बौनो ने सर हिलाया तो मुख्य बौना प्रकट हुआ। मैं उस रत्न के बारे में जानता था। एल्सा को बचाने के लिए आपको बर्फीले पहाड़ पर बर्फ का रत्न ढूंढना होगा। एक को आकार लेने में 1000 साल लग जाते हैं। ये उस हार पर लगे अग्नि रत्न से लड़ सकता है। एना और क्रिस्टोफर्स 1000 साल के बर्फीले पहाड़ की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ जाना खतरनाक था। उसी समय हांस ने अपने सैनिकों के साथ उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने एना और उसके साथी का पीछा किया और उनके साथ लड़े। सौभाग्य से उसकी कुशल क्षमता के लिए धन्यवाद, क्रिस्टोफर अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। वहीं रुक जाओ, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि रास्ते को रोकते हुए कहीं से एक बर्फ का राक्षस सामने आ गया। तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक जब क्रिस्टोफर की गाड़ी शिखर पर पहुंची तो बर्फ के राक्षस ने जमीन पर मुक्का मारा और दुर्भाग्य से उसकी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। हांस ने देखा कि एक राक्षस था, इसीलिए उसने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। ये राक्षस समस्या को हल करने में मेरी मदद करेगा, क्या भाग्यशाली दिन है। चलो अब लौट चलते हैं। एना के भाग्य से ज्यादा भाग्यशाली कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह वहीं गिरी जहां बर्फ का रत्न पैदा हुआ था। अचानक चमत्कारिक रूप से रत्न ने एना को नई शक्ति दी। एना भयभीत हो गई थी। हर बार जब वे अपना हाथ हिलाती तो वहाँ से बर्फ उड़ती और उसके दोस्तों को परेशान करती थी। नहीं, मैंने नहीं किया। सौभाग्य से उसे जल्द ही अपनी नई शक्ति का एहसास हो गया। वे राज्य में लौट आए। हांस को उम्मीद नहीं थी कि एना और क्रिस्टोफर अभी जीवित हैं। अपनी नई शक्ति के साथ एना को हांस की सेना को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। इतनी शक्ति का सामना करते हुए हांस के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
और उसे जेल में डाल दिया गया। एना ने एल्सा को मुक्त कर दिया, लेकिन तब वे वास्तव में कमजोर हो गई थी। एना ने दुखी होकर उसकी ओर देखा। उसने अपनी बहन को गले लगाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल अग्नि रत्न हटाने के लिए किया और एल्सा को शक्ति दी। एना के अंदर के बर्फ के रत्न ने कुछ महसूस किया और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। दो रत्न घूमते रहे और चमकते रहे, जिससे किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार वे एक दूसरे से अलग होकर गायब हो गए। इसके साथ ही एना ने अपनी शक्ति खो दी। एल्सा जल्द ही ठीक हो गई। हांस के साथ इस बार उसकी मातृभूमि ने भी उसे स्वीकार नहीं किया और उसे जीवन भर एरिंडल के जेल में रहना पड़ा। एल्सा को पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगा। सौभाग्य से दोनों रत्नों ने कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ा था। एक साथ उस कठिन समय के बाद एना और क्रिस्टोफर को एक दूसरे से प्यार हो गया। आखिरकार उन्होंने शादी कर ली और रानी एल्सा के शासन के तहत शांतिपूर्ण एरेंडल राज्य में हमेशा के लिए खुशी से रहे।